Hi. I guess finally kisi ko yaad aa gaya ki he has a YouTube channel lying around and it's about middle class families. जैसे ही लोगों को लगा कि कीर्ति अपलोड्स सम मीनिंगफुल वीडियोस, वैसे ही आई एम बैक विथ अनदर क्रिंज वर्दी हा 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 मैं टीनेजर हूँ रिलेट करो टाइप ऑफ अ वीडियो। फिल्टर कॉपी प्लीज हायर मी। इंडियन सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्राइटेरिया तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, द पुअर, द मिडिल क्लास, द एलिट रिच। और ऐसा नहीं है कि ऐसे डिवीजन सिर्फ कैपिटलिज्म की पैदाइश है, ये एक्चुअली हमारे बाप दादाओं का क्रिएटिव ब्लॉक है। एज ए टीनेजर, जैसे कि मैंने मेंशन किया है इन माय प्रीवियस वीडियो अबाउट बोर्ड एग्जाम्स दैट मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और मेरे पापा एक 9 to 5 जॉब करते हैं, इन ए नटशेल एक 21st सेंचुरी की टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। वी नेवर गेट एनफ ऑफ दिस शोज डू वी। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट थिंक ऑफ मनी एज अ लेंस जिसके थ्रू तुम अपने लाइफ को देख सकते हो। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस सोसाइटी हैज अ डिफरेंट लेंस जिसके थ्रू उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है दुनिया देखने का। लेट से एक गरीब बच्चा है, अगर वो दुनिया देखना चाहता है तो ऑल ही सीज इज दिस ग्रंजी एंड डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड। दूसरी तरफ अगर एक अमीर बच्चा है, अगर वो दुनिया देखना चाहता है तो ही सीज इट व्हाइल वेयरिंग हनी सिंह के वो लोका लोका वाले ग्लासेस। As growing up, एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट yes, there has been some inconveniences or obstacles. अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हो तो एक कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं तुम्हारे स्टडीज पे rather than your hobbies. If I belong to a much poor family, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता to pursue my passion as an animator, YouTuber. सियाथी रंग मत दीजिए। What we call inconvenience is कि थोड़ी मुश्किल हुई to convince my parents ताकि they let me pursue my passion. अगर मैं एक poorer section of society से belong करता तो मुझे proper resources नहीं मिलते, तब मुझे struggle करना पड़ता। Growing up in a middle class family, तुम्हारे माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं to minimize अपने expenses and they do that by classifying अपनी और तुम्हारी needs in two parts, necessity and luxury. नेसेसिटी में आती है चीज़ें जैसे कि खाना, पहनना, शेल्टर एंड रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें। ऑन दी अदर हैंड, लग्जरी इज बेसिकली यू आस्किंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स टू सुपर चैट योर फेवरेट स्ट्रीमर जिससे तुम ऑन स्ट्रीम अपने दोस्त को चूतिया बुलवाना चाहते हो। कैरी भाई एक बार बोलो ना, रमेश चूतिया। जब मैं छोटा था तो मैं जब भी कपड़े लेने जाता था तब मेरी मम्मी मेरे लिए एक साइज बड़ा शर्ट लेती थी, सेइंग अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। एंड इट यूज्ड टू गेट सो अनोइंग क्योंकि जब तक वो शर्ट मेरे साइज की होती थी तब तक उस शर्ट का कलर उड़ चुका होता था। सीरियसली मेरे रिलेटिव्स मुझे अक्सर कन्फ्यूज कर लेते थे कि मैं इनके घर का चाइल्ड लेबर हूँ। एंड दे ट्राई टू सेव एवरी पेनी दे कैन। इवन जब मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता था तब हमेशा मेरी मम्मी कहती थी कि बाहर जाके क्या करेगा, बुला ले अपने दोस्तों को घर पे ही। Sounds tempting, right? Not really, क्योंकि parents के दिमाग में this is like a pre-planned in-surgery operation. पहले वो तुम्हारे दोस्तों को घर पे बुलाएंगे, and Indian parents, especially middle class parents, don't have any concept of अपने पुत्र का private space. Indian parents are much like Facebook. They don't give a shit about your privacy. So just for the sake of making a conversation, सबसे पहले हमारे अपने ancient gladiator, employee of the month, husband of the decade, society secretariat, man responsible for retweeting everything Narendra Modi says on Twitter, हमारे अपने पिताजी। रूम के अंदर आते हैं मेरे दोस्तों के पास एंड अगर तुम किसी नए बंदे से बात कर रहे हो तो तुम क्या पूछोगे, बंदे का नाम, कैसे हो आप, या मे बी तुम बॉन्ड करोगे ऑन शेयरिंग सम म्यूचुअल लव फॉर इलियाना का गर्म पेशाब। नो, मेरे पापा बिगेंस एवरी कन्वर्सेशन विथ तुम्हारे पापा क्या करते हैं, विच इज सो नॉट सटल। एंड मेरे फ्रेंड्स के जाते ही मेरे पापा का इमीडिएट रिएक्शन होता है, उसकी पापा की तो फैक्ट्री है, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तुम क्या करोगे। इमेजिन अगर रणबीर के बाप ने उसको कहा होता कि तेरा क्या होगा, तेरे दोस्त के बाप की तो बिजनेस है। ओ वेट, नेपोटिज्म इज अ थिंग, ड्रॉप आउट कर ले।
स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, हमारे स्कूल वाले ऑर्गेनाइज्ड कपल ऑफ वेकेशन एवरी ईयर, अ टाइम पीरियड जिसमें तुम्हारे स्कूल की वो लड़की हु हैज ब्रेसेस, जिसको तुमने पूरे सेमेस्टर साइबर बुली किया है, कम्स आउट ऑफ हर ककून ऑल हॉट, ओ माई गॉड। ड्यूरिंग दिस टाइम जब मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली के साथ फोटो डाल रहे होते हैं फ्रॉम देयर वेकेशन इन फकिंग जयपुर, मैं और मेरे फैमिली हमारे नाना जी की फोटो पर लगी माला की डस्टिंग कर रहे होते हैं। My mom treats it like a team bonding exercise. I am not seeing enough movement. At this point of the video, most of you would be like, oh my god, this is so relatable. Maybe I am middle class too. नहीं, the fact कि तुम अपने घर पे बैठ के इस वीडियो को आराम से देख रहे हो already makes it clear कि तुम्हारे पास 80% of the India से ज्यादा privilege है। एक चीज होती है something which is known as upper middle class, or as I like to call them, middle class with lack of self-awareness. These folks can afford their own food, but still ये big bazaar में जाके bucket से कपड़े उठाते हैं। These guys don't pass as actual middle class, क्योंकि जब इनके घर का inspection करने जाओ तो इनके घर के TV के remote पर cellophane की cover की layer नहीं लगी होती। ऐसा नहीं है कि middle class लोग खर्चे नहीं करते। इट्स जस्ट अगर आप एक पॉवर्टी के स्पेक्ट्रम से दूसरे में ट्रांजिट करेंगे तो सेंस ऑफ नीड बदल जाता है। जैसे कि एक भिखारी के पास पैसे आए तो वो अपने अगले दिन के खाने में इन्वेस्ट करेगा, वेरस एक मिडिल क्लास आदमी के पास पैसे आए तो वो अपने बच्चे के पढ़ाई को ऑलवेज ज्यादा एम्फेसिस देगा। अब इस स्पेक्ट्रम में वो लोग कहाँ आते हैं जो 400 रुपए का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी चार लोगों में शेयर करके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। As I was growing up, जब भी मेरी कोई requirement होती थी तो मेरे माँ बाप मेरे studies को हमेशा ज़्यादा preference देते थे। जैसे कि अगर मैं अपने पापा को बोलूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, he would be like, क्यों, तेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है, आज से हम दोनों भाई भाई। Until it was something related to my studies. अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो पहले मुझे लोअर कोर्ट मम्मी, फिर हायर कमांड पापा के पास जाना पड़ता था अपनी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल लेकर। इंडियन कोर्ट्स तो अपने पेंडिंग केसेस के लिए ऐसे ही बदनाम है। यहां मेरी फाइबर इंटरनेट की रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई 6 महीने से। मॉम, इफ यू आर वॉचिंग दिस, वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, योर्स ट्रूली, आपका पुत्र। जब तुम इंटरनेट पर मेंशन करते हो कि यू कम फ्रॉम ए मच हम्बल एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड, देयर इज दिस सेंस ऑफ पीपल फीलिंग पिटी फॉर यू, पीपल सीइंग कि कितना स्ट्रगल और हार्डशिप लगा होगा टू रीच द पॉइंट एट विच आई एम राइट नाउ, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कभी नहीं था। बींग बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली गेट्स यू बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, एक भिखारी की हम्बलनेस और एक मिलियनर की शिवलरी। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई सारी प्रिविलेजेस डिनाई की होंगी जब मैं छोटा था, बट इट मेड मी रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन ए नेसेसिटी एंड ए लग्जरी। And those are some of the core values that I hold close in my heart, and something I believe mujhe koi institute nahi sikha pata, let alone be a WhatsApp forward message.